इस वीडियो में तुमको ऐसा अपडेट बताने वाला हूं ना, जिसे सुनने के बाद ना तुम्हारे पैर से ना भाई जमीन खिसक जाने वाली है। मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, ऐसा अपडेट मेरे भाई कि तुम एकदम सीना चौड़ा करके बोलोगे भाई कि अभी का टाइम हमारे इंडियन सिनेमा का टाइम है। यार मैं ऐसे ही थोड़ी ना बोलता हूँ यार कि कल की हमारे इंडियन सिनेमा को टोटली चेंज करके रख देने वाले, क्योंकि जब मैं तुमको बताऊंगा कि कल की कितने पार्ट से बनने वाली है, कल की 9 पार्ट्स में बनने वाली है मेरे भाई। और ये 9 पार्ट्स भाई एक से बढ़ के एक पार्ट्स होने वाले हैं। इसका जब तुम लोगों को पता चलेगा कि जो ये कल की का सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इसका कोर स्टोरी क्या है, तुम लोग बोलोगे बाप रे बाप, ऐसा चीज है भाई कैसे पॉसिबल है यार। मतलब जो ये डायरेक्टर है नागर स्विन सर, वो तो भाई अलग ही खेला खेल रहे हैं। मतलब तुम्हारे सोच से परे चीजों को वो लोग लेके आने वाले हैं। वेट करो मेरी जान, ये जो कल्कि है ना जस्ट एक नॉर्मल फिल्म नहीं है मेरे भाई, ये बारूद है। आने दो फिर कैसे फटता है तुमको पता चलेगा। कल्कि मूवी में ना तुम्हें हनुमान जी भी देखने को मिलने वाले हैं, परशुराम जी भी देखने को मिलने वाले हैं, अभी अभी और सुनोगे कृष्ण जी भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमारे महादेव अमीन शंकर भगवान का भी एंगल इसमें तुम्हें देखने को मिलने वाला है। और यह जो भी लोग लग रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स की दुनिया दिखाई गई है कल्कि मूवी के जो टीजर ईजर है सब में, ये दुनिया बहुत ही हार्ड है यार। मतलब इस दुनिया में जो लोग रह रहे होंगे ना, बहुत ज्यादा ब्रूटल, बहुत ज्यादा मतलब खुखार हो रहे होंगे, और भैरवा कैसे लड़ेगा ये देखने में मजा आएगा। बट जब भी तुम लोगों को पता चलेगा कि इस फिल्म का एक्चुअली में विलन है कौन, मींस प्रॉपर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का विलन है कौन, तुम लोग बोलोगे भाई इसके सामने भाई ये जो कॉम्प्लेक्स की दुनिया जैसे हजारों दुनिया को भाई अकेले विलन ऐसे चुटकी बजा के उड़ा के फेंक देगा, क्या बात कर रहे। और इस विलन के पास ना 100 रावण से भी ज्यादा का पावर है, और ये विलन का नाम है कली पुरुष। नहीं समझ में आ रहा है, आगे बता रहे हैं, वेट कर लीजिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक चीज बोलूंगा यार, प्लीज इस वीडियो को प्रॉपर तुमने लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक जब भी वाला चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे भाई मोटिवेशन मिलता है। मैं चाह रहा हूं तुम लोग के लिए ना बेटर से बेटर कंटेंट लेके आओ मेरे भाई, तो प्लीज थोड़ा तो मुझे सपोर्ट दिखाओ। बाकी तो देखो भाई मैं कैसे झिंगलाला मचाता हूं। सो बात करते हैं इसका कोर स्टोरी है क्या। जो लोग पुराण पढ़े हैं ना वो लोग को पता होगा कि हमारा कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग का अंत ना बताया गया है कि कली पुरुष है जिससे ही भाई ये कलयुग बना हुआ है, और ये अंत उस टाइम तक आएगा जब भाई हम लोग इंसान को ही खाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कलयुग इतना ज्यादा गटराइज हो जाएगा, इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा ना कि लोग को समझ में नहीं आएगा कि लोग कितने ज्यादा पाप कर रहे हैं, और ये पाप का सारे जिम्मेदार है काली पुरुष। तभी हमारे विष्णु जी का 10वां अवतार मीन्स कल्कि अवतार आएंगे, और ये जो राक्षस है काली पुरुष उसको मारेंगे। बट उससे पहले एक ट्विस्ट है मेरे भाई, ये ट्विस्ट ये है कि अभी भी हमारे जो कलयुग है ना इसमें ना हमारे 7 चिरंजीवी मौजूद है, और वो लोग कोई श्राप से या फिर किसी वचन के जरिए ना अभी भी हैं। बट मेरे भाई ये लोग हमारे विष्णु जी का मीन्स कल्कि को साथ देने वाले हैं। 7 चिरंजीवी में पहले अपने हनुमान जी हैं, देन दूसरे महर्षि वेद व्यास है, देन तीसरे कृपाचार्य है, देन चौथे अपने परशुराम जी हैं, देन पांचवे विभीषण जी है, छठे राजा बाली हैं, देन सातवें अश्वत्थामा है। सो ये 7ों लोगों पे ना एक एक करके ना भाई स्पिन ऑफ फिल्म बनेगी, और फिर लास्ट में इसके 9वें पार्ट में दिखाई जाएगी कैसे ये 7ों लोग हमारे विष्णु जी का अवतार मीन्स कल्कि अवतार को साथ दे रहे हैं काली पुरुष को मारने में। देन उसके बाद पूरी की पूरी ये फिल्म खत्म हो जाएगी। अब बताओ मेरे भाई ऐसे चीजों को जब हम लोग देखेंगे विजुअल के माध्यम से तो क्या फील होगा, एक बार विजुअली सोच के देखो मेरे भाई, मेरी निगाहों से देखो, तब तुम लोगों को समझ में आएगा बाप रे ये क्या बना रहे हैं भाई ये नागश्विन बाबू, खेला भी लंबा जाएगा। बस भाई यही कोर है मेरे भाई, मैं सोच रहा था कि इसको लेके वीडियो बनाई जाए, तुम लोग को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स आ रही है किस पे बेस्ड होने वाली है, और इसे ना भाई नागश्विन चंद ना बहुत ही मॉडर्नाइज तरीका से दिखाने वाले हैं।